ज्ञान तिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिव्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लाभ नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण जब अपना खिड़की खोल करके देखे उन्होंने पूर्ण चंद्रमा को दर्शन किया तो पूर्ण चंद्रमा को, लेकिन उनको स्मरण होया श्रीमती राधा रानी को। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे गौतीय मतंत्र में राधा रानी की महिमा को गाते हुए बताए, बोले देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका परादेवता सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सन्मोहिनी परा। कल हम सुन रहे थे राधा रानी का नाम देवी क्यों, अरे कृष्ण मई क्यों, राधिका क्यों, इसलिए कहते परादेवता, कहते राधा रानी कौन है, बोले जगत में जितने देवियां हैं है? उनके जो उससे जो सर्वश्रेष्ठ देवी देवी में जो सर्वश्रेष्ठ है जिसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आम नाय वाणी। जितने उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी वो कहाँ से प्रकट होती है, बोले सब के सब श्रीमती राधा रानी से प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण से सारे अवतार आते हैं और राधा रानी से सारे शक्तियाँ राधा रानी से ही प्रकट होती है। इसलिए कहते हैं ये गोलोक वृंदावन में जितने सब गोपियाँ सब राधा रानी से, और जितने द्वारका में जितने महिषियाँ रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी आदि कहते श्रीमती राधा रानी के विस्तार, और बैकुंठ में जितने लक्ष्मियाँ वो सब के सब श्री राधा रानी से ही प्रकट होती है। इसलिए राधा रानी विभिन्न रूप में अपना काय विहो को प्रकट करते हुए अनंत अनंत रूप कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए उनको बताए सर्व लक्ष्मी मई है, सारे लक्ष्मी का जो मूल कारण है श्री राधा रानी, इसलिए देवी कृष्णमयी प्रकृति राधिका परा देवता और सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। बोले कांति मतलब होता है इच्छा, कहते कृष्ण के सारी इच्छाओं को पूरी कौन करती है, बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम राधिका, मतलब कृष्ण को पूर्ण रूप में कृष्ण की सारी इच्छा को पूर्ण करने वाले श्री राधा रानी, अनंत रूप में राधा रानी कृष्ण की इच्छा पूरी करती है। बोले एक समय श्री वृषभानंद महाराज और नंद बाबा दोनों में बड़ी मित्रता है,
जब वृषभानु महाराज घर में कोई उत्सव हो तब नंदा बाबा को बुलाते हैं, और नंदा बाबा के घर में कोई उत्सव हो श्री वृषभानु महाराज को बुलाते हैं। एक समय श्री वृषभानु महाराज नंदा बाबा को निमंत्रण दिया, आज हमारे घर में आपका प्रसाद खाना है। अभी नंदा बाबा आएंगे और मैया जशोदा कृष्णा ग्वाल वाल सबके सब आएंगे, बढ़िया खाना होनी चाहिए। इसलिए जब राधा रानी छोटी थी कभी दुर्वासा ऋषि उनके घर में आए थे, और दुर्वासा ऋषि की राधा रानी बड़ी सेवा की, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के राधा रानी को आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे हाथ अमृत हस्ता बनेगा, जो कुछ खाना तुम बनाओगे सब अमृत बनेगी। इसलिए श्री वृषभानु महाराज ने देखा आज नंदा बाबा आ रहे हैं, राधा रानी को उन्होंने जावड़ से बुलाए, बोला आज इतने बढ़िया खाना बनाओ जैसे नंदा बाबा कृष्ण जसोदा खा करके खुश हो जाए। हम चाहते ना घर में कोई अतिथि आए सबसे बढ़िया बढ़िया खाना बने। राधा रानी सुन करके प्रसन्न हो गई, अपना सखियों के साथ में राधा रानी आ करके कितने तरह तरह से भोजन उन्होंने बनाए। कहते राधा रानी का अंग कैसे, उनका अंग बोले कोटि चंद्र सुशीतल, उनका राधा रानी का अंग इतने कोमल, चंद्रमा का किरण अगर राधा रानी के शरीर में पड़े ना तभी राधा रानी को कष्ट लगता है, इतने राधा रानी के शरीर कोमल है। लेकिन राधा रानी जब खाना बनाती हैं, जैसे कितने वहां पर स्टोव लगा हुआ चूल्हा रहता है, हाँ कितने चूल्हा चारी तरफ में कितने चूल्हा जलती रहती हैं, लेकिन राधा रानी बीच में बैठ करके ललिता को बोलती है, ललिता ये खाना तुम बनाओ, कृष्ण आने का समय हो गया, जल्दी जल्दी तुम खीर बनाओ, तुम लड्डू बनाओ, तुम मुखी चावल बनाओ, तुम कढ़ी बनाओ, तुम हाँ दाल बनाओ। राधा रानी को कैसे लगता है चारों तरफ में कितने स्टोव जलती रहती है चूल्हा, लेकिन राधा रानी को ऐसे लगता है जैसे मैं एयर कंडीशन का रूम में बैठी हूँ। बोले क्यों, बोले कृष्ण सेवा में इतने तन्मयता राधा रानी रहती है, हैं इसलिए राधा रानी क्या उन्होंने खाना बनाए। और बोले कौन किसको परिवेषण करेगा, बोले नंद और जसोदा को वृषभानु महाराज कृतिका सुंदरी परिवेषण करेंगे, और कृष्ण उनको सखा को राधा रानी और उनका जितने सखियां वो उनको खाना खिलाएंगे। अभी तो कृष्ण राधा मैया जसोदा रोहिणी के हाथ का खाना खाते थे, लेकिन जो पहला बार उन्होंने राधा रानी के हाथ का खाना खाए, हे भगवान कृष्ण तो सारा दुनिया को भूल गए, बोले क्या स्वाद है क्या टेस्ट है, खाना नहीं जैसे कोई कोई चीज खाते ना जैसे अमृत खा रहे हैं, हाँ अमृत खा रहे हैं। और राधा रानी के हाथ का एक स्पेशल लड्डू है जिसका नाम मनोहर लड्डू कहते हैं, मनोहर लड्डू है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, हाँ इसलिए वो कीर्तन गाते हैं, भज भकत बसल श्री गौर हरि सुकता सगदी भाजी ललिता कुष्मांड डाली डालना दूध घुम भी दधी मोच घंट भज भकत बसल श्री गौर हरि। राधा रानी क्या क्या खाना बनाती है भक्तिविनोद ठाकुर ने सो वर्णना करते हैं, भले छले भले लाडू खाए श्री मधु मंगल बगल बजाए यार दे हरि बोल भज भकत बत्सल श्री गौर हरि। इसलिए जब लड्डू खाते हैं ना कृष्णा, काजू किशमिश बादाम दे करके एकदम प्योर घी में राधा रानी स्पेशल लड्डू बनाती है, और कृष्ण जब वो लड्डू को खाए, हाँ क्या स्वाद है, कृष्ण तो सारा दुनिया को भूल गए। अभी कृष्ण जब भोजन करते हैं ना नंद भवन में, राधा रानी तो तरह तरह खाना बनाती है, इसलिए कृष्ण सारा दुनिया को भूल गए। कृष्ण जब वापस आए ना घर में, मैया जसोदा जब खाना बना कर कृष्ण को खिलाती है, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, बोले मैया हम जब गए थे ना वहां पर वृषभानु महाराज के घर में, उसी दिन जो खाना बनाया था कितने बढ़िया खाना था, ऐसे बनाओ ना।
बोले लाला मैं तो बढ़िया से बढ़िया बनाती। बोले मैया वैसे खाना नहीं बनता है, कृष्ण और अच्छे करके ना रुचि रुचि करके खाते नहीं। मैया को लगता है मेरे लाला कमजोर हो रहा है क्योंकि बढ़िया से खा ही नहीं रहे, कहते वही से बनाओ। तब राधा रानी को बुनाने के लिए मैया जसोदा तरह तरह से व्यवस्था करती हैं, सोना चांदी गहना कपड़ा लता भेज करके, क्यों जटला कुटिला की बहू है वो सहज में भेजेगी नहीं, वो बड़ी लोभी है, उनको लोभ दिखा करके कहीं से राधा रानी को वो भेजे है, उनको लोभ दिखा करके वहां से राधा रानी को बुलाया करती थी। और राधा रानी आ करके यहाँ रसोई बनाती थी और राधा रानी के झरखे से इसे देखती थी। जब कृष्ण खाते हैं ना एक एक चीज को, जैसे कोई बढ़िया खाना हो, आप जो खाना खाओगे ना आपका मुंह का चेहरा बदल जाता है, देखना अगर बढ़िया खाना हो बढ़िया करके खाओगे, क्या खाना बनाया आपने है। इसलिए राधा रानी एक एक कर देखती हैं कृष्ण जब सुखता खाते हैं कैसे मुंह, जब लवड़ा गड्ढे का सब्जी बनाए कैसे खाते हैं, जब रस्सा कैसे खाते हैं, भाजी कैसे खाते हैं। राधा रानी ऐसे ऐसे करके देखती रहती है कैसे कैसे खाते हैं, और कृष्ण एक एक चीज खा करके एकदम तृप्त होते हैं, उसको देख करके ना और ज्यादा राधा रानी तृप्त होती है। इसलिए देखिए देखो आपने खाना बनाया, इतने बढ़िया खाना बनाया जो खाने वाले इतने बढ़िया स्वाद से खाया, अंगुल चाट चाट कर खाया, और बोले क्या तुमने खाना बनाया, अगर बोल देना जो बनाने वाले का दिल खुश हो जाता है। हमने जो खाना बनाया, हमारा खाना बनाना हमारे आज धन्य हो गया है, सार्थकता हो गया है। इसलिए राधा रानी बड़ी खुश होती है राधा रानी। इसलिए राधा रानी इसलिए बोले सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति, कांति मतलब होता है इच्छा है। इसलिए कृष्ण की जो अनंत इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाओं को राधा रानी अनंत रूप में राधा रानी पूरी करती है। ये सखिया कौन है, जब कृष्ण का शरीर से जब राधा रानी प्रकट हुई, अब राधा रानी सोच रही है मैं अकेली तो कृष्ण को कितने में सेवा करूंगी। इसलिए राधा रानी एक एक भाव को उन्होंने एक एक मूर्ति प्रदान की है। बोले ये ललिता, ललिता मतलब क्या, सुंदरता। राधा रानी अपने सुंदरता को एक रूप दी। तुंग विद्या, ये कौन है, बोले विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ है उनने उसको एक रूप दिया। बोले चित्रा, चित्रा कौन है, उनका जो आर्ट है उनके अंदर में उसको उन्होंने एक रूप दी। इसलिए राधा रानी अनंत रूप में कृष्ण की सेवा करने के लिए अनंत रूप धारण करती है। राधा रानी अनंत रूप धारण करती है और कृष्ण की जितने इच्छा है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जैसे एक शीशा के सामने खड़े हो जाओ फिर क्या होगा, आपका जैसे रूप है ना उसके ऊपर में अपने आप प्रतिबिंब होता है। इसलिए राधा रानी को बताया ये एक शीशा है, एकदम शीशा है, शीशा के ऊपर जैसे प्रतिबिंब होता है उसी तरह कृष्ण का जो इच्छा, कृष्ण के मन में जो 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 इच्छा होता है वो सारी इच्छा राधा रानी के अंदर में अपनी आप प्रकाशित होता है। राधा रानी अपनी आप समझ जाती है कृष्ण क्या चाहते हैं, हाँ? अभी कृष्ण क्या चाहते हैं। इसलिए जो मान होता है ना दो तरह का होता है, एक अहेतुकी और एक सहेतुकी। सहेतुकी मतलब जब किसी इच्छा को लेकर मान हो, अहेतुकी मतलब बिना कारण से। कभी कभी राधा रानी बिना कारण से मुंह मोड़कर बैठ गए, बोले कारण क्या, बोले बिना कारण क्यों मुंह मोड़कर बैठ गए, क्यों, कृष्ण की इच्छा यही है। ये मान क्या करता है, ये प्रेम को बढ़ाती है मान। जैसे पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं, अगर आपस आपस में कोई थोड़ा लड़ाई पढ़ाई हो गई ना, दो तीन दिन बात ही नहीं किया, जब दो तीन दिन का मान करके कर ले बात नहीं किया, आप देखना तीन चार दिन बाद फिर जब नया करके बात करते हैं ना उसमें एक अलग आनंद आता है। इसलिए जो ये जो विरह है ये मिलन को, ये विरह पुष्टि करता है। इसलिए कद कृष्ण की जितनी सारी इच्छा है राधा रानी अनंत अनंत रूप में राधा रानी कृष्ण को इच्छा पूरी करती हैं। इसलिए राधा रानी के शरीर में जितने श्रृंगार है वो श्रृंगार नहीं, कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्ण प्रेम का सारे श्रृंगार है। कान में जो कुंडल हो क्या है, वो कुंडल नहीं कृष्ण कथा सुनने के रूपी कुंडल है। आंख में जो कजल है कृष्ण को दर्शन करने का है। इसलिए राधा रानी के शरीर में जितने सब श्रृंगार है सब
राधारानी कौन सा वस्त्र धारण करती हैं? वे नील वसना गौरी रूपे गुने धनिया। नील वस्त्र क्यों धारण करती हैं? कारण क्या? बोले कारण है कृष्ण का जो रंग, शरीर का जो रंग है वो नील रंग है, इसलिए कृष्ण रंग को द्वारा अपना शरीर को ढक कर रखती हैं। और ऊपर जो चुनरी, कौन सा चुनरी है? बोले गुलाबी रंग की चुनरी। ये गुलाब रंग क्या है? बोले अनुराग है, इसलिए वो चुनरी नहीं, गुलाब रंग की नहीं, कृष्ण की अनुराग को अपना शरीर में ढक करके कृष्ण अनुराग से ढकी हुई राधा रानी, इसलिए अनंत अनंत रूप में, इसलिए बोले कांति, सर्व कांति, बोले सन्मोहिनी। और एक नाम सन्मोहिनी, सन्मोहिनी मतलब होता है कृष्ण को जो मोहित कर दे, इसलिए कृष्ण सोचते हैं मेरी बंसुरी की आवाज इतनी मीठी है, इतने मीठी मेरी बंसुरी की आवाज, बोले त्रिजगत मानस आकर सी मुरली कलक उज्जित। जब कृष्ण बंसी ध्वनि बजाते हैं, बोले त्रिजगत मानस आकर सी, विश्व ब्रह्मांड को मुग्ध कर देते हैं कृष्ण का बंसी ध्वनि, हाँ? इसलिए कत तेज बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं कत तेज, तेज मतलब होता है जो चंद्रमा, अब गए चंद्र सरोवर में गए, कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाए चंद्रमा ब्रह्मा का एक रात तक एक जगह पर खड़ा हो गया। चंद्रमा बारी, बारी मतलब होता है पानी, जैसे जमुना ऐसे बहती है, लेकिन जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं पर जमुना उल्टी बहने लग जाती है, जैसे इधर से पानी जाती है, बंसी ध्वनि करने पर भास पानी उल्टी बहने लग जाते, जैसे दोनों जाकर के भौरा पड़ जाते हैं। और जो कमल फूल को लेकर के जमुना देवी क्या करती है, उसको लेकर कृष्ण चरण में समर्पण कर देती है। बोले बारी, बोले मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी, बागिरिराज गोवर्धन, इसलिए एकदम वो पिघल जाता है, इसलिए कृष्ण का चरण, गैया खूर का चरण सबके सब अभी भी पड़ा हुआ है, इसलिए कृष्ण की बंसी ध्वनि ऐसे है। इसलिए कृष्ण सोचते हैं मेरी बंसी ध्वनि सुनकर त्रिजगत मानस आकर्षित, लेकिन जब मैं राधा रानी की गले की आवाज सुनता हूँ ना, पता नहीं राधा रानी की गला की आवाज में क्या मीठा है ना, दुनिया को मैं मुग्ध कर देता हूँ, लेकिन राधा रानी की गला की आवाज सुन करके मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। मेरा शरीर इतने कोमल है, बोले कोटि चंद्र सुशीतल, भगवान का शरीर कितने कोमल है, मेरे शरीर इतने कोमल है, लेकिन जब मैं राधा रानी को स्पर्श करता हूँ, राधा रानी के शरीर इतने कोमल है, उनके शरीर को स्पर्श करके मैं स्वयं दीवाना बन जाता हूँ, हैं? मैं स्वयं दीवाना बन जाता हूँ राधा रानी की शरीर को स्पर्श करते हुए, मेरे सुंदर इतने रूप इतने सुंदर है, हाँ मेरे इतने सुंदर रूप है, जिस रूप को देख करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन मैं जब राधा रानी का रूप दर्शन करता हूँ मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम है, सारा दुनिया मेरे प्रेम से सारा दुनिया नाचते हैं, लेकिन राधा रानी मेरे को नचा देती है, राधा रानी मेरे को नचा देती है, हाँ। इसलिए एक्स में वृंदा राधा कुंड से आई, राधा रानी बोले तुम कहाँ से आ रहे हो, बोले राधा कुंड से, बोले तुमने क्या देखा, बोले मैंने देखा कृष्ण नृत्य सिखा कर रहे हैं, बोले गुरु कौन है, बोले राधा कुंड का जितने लता पता ये सब के सब कृष्ण उनको राधा रानी के स्वरूप मान करके, उनको स्वरूप मान करके वो लता पता से ही कृष्ण नृत्य विद्या सीख रहे थे, हैं? इसलिए कि दुनिया को मैं नचा देता हूँ, लेकिन राधा रानी का प्रेम मेरे को नचा देती है, पता नहीं राधा रानी का प्रेम में कितने बल है, श्री राधा रानी की प्रेम में कितने बल है। इसलिए कहते हैं सर्व कांति सन्मोहिनी परा, परा मतलब होता है कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है, कहते उनके जो पराशक्ति स्वरूप शक्ति, उनको जो लादनी शक्ति कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कृष्ण जब चंद्रमा को दर्शन किए, चंद्रमा को दर्शन करते हुए कृष्ण राधा रानी के मुख चंद्र स्मरण करते हुए कृष्ण कहाँ पर आए, बोले बंसीवट को नीचे कृष्ण आए, और बंसीवट को कृष्ण नीचे आकर के वहां पर उन्होंने बंसुरी बजाए, हाँ? जब बंसुरी बजाए, बोले कृष्ण बंसी
जैसे कोई विद्या हम सीखते हैं ना, किस लिए विद्या सीखते हैं, कोई लक्ष्य रहता है। जैसे तुम्हें लिखाई पढ़ाई कर रहे हो, लक्ष्य रहता है भाई ये नौकरी के लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, और लास्ट में नौकरी करेंगे तो हम मिलेगा क्या, बोले हीरो मिलेगा, हीरो मिलेगा, और खाएंगे पिएंगे आनंद में रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण जो बंसुरी सीखे थे क्यों सीखे थे, उनका बंसुरी सीखने का तात्पर्य किया, बोले एक ही काम के लिए, कब समय आएगा जिस बंसी ध्वनि को द्वारा हमसे राधा रानी को बुलाएंगे, ब्रज गोपियों को बुलाएंगे। इसलिए उन्होंने बंसी बैठो को उन्होंने नीचे आए और आकर के भगवान कृष्ण उन्होंने बंसी भी बजाई। इसलिए हम पहले सुने थे उनका तीन बंसी का तीन नाम है, एक बंसी, एक वेणु और एक मुरली, है उनका तीन है। कहते बंसी से क्या करते हैं, कहते जो बंसी होता है, कहते जिसको बंसी बट को नीचे कृष्ण बंसुरी बजाए, जिसमें कहते न छेद होता है जिसमें, है और कहते मुरली में कहते चार छेद होता है जिसको, जिसमें होल होल। इसलिए जिसको उन्होंने किसको बुलाते, बोले राधा रानी को बुलाते हैं, है इसलिए। और एक एक होता है जो बंसुरी मुरली और वेणु, जिसको द्वारा उन्होंने कभी कभी गैया को बुलाते हैं, कृष्ण अलग अलग समय पर अलग अलग बंसुरी को बजाते हैं। इसलिए उनका जो बंसी ध्वनि दो तरह का होता है, एक होता है सर्वभूत मनोहर और एक होता है गोपीभूत मनोहर। इसलिए कृष्ण बंसी भट्ट को नीचे जो बंसी ध्वनि की, कहते वो गोपीभूत मनोहर था। इसलिए ऐसे ऐसे बंसुरी बजाते थे जो बंसी ध्वनि को और कोई नहीं सुने, कौन सुनेगा, केवल श्री ब्रज गोपियां ही सुन सकती है, है बंसी बजाते। अगर बंसी बटो के नीचे अगर सर्वभूत मनोहर बंसी बजाते क्या होता, संपूर्ण ब्रज ही उजड़ करके आ जाता, सारे ब्रजवासी वहीं पर आ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसे बंसरी बजाए केवल गोपियां जो बंसी ध्वनि को वही केवल श्रवण कर सकते हैं। जब कृष्ण बंसुरी बजाए, यहाँ पर उदाहरण देते हैं उन्होंने बंसी में क्या बजाया, उन्होंने बोले जगो कलो वाम दृशा मनोहरा, उसमें जो शब्द था क्लिंग शब्द था जगो कलो, इसमें बताया कलो मतलब क ल क्लिंग शब्द है ना, इसमें क्लिंग शब्द आया क ल, वाम दृशा मतलब होता है ई, मनोहरा मतलब होता है मन का अधिष्ठान, जैसे बता चंद्रमा, इसमें क्लिंग शब्द बताया है। क्लिंग कैसे होता है, ऐसे क फिर ल फिर ई फिर चंद्र बिंदु, ये क्लिंग होता है। इसलिए ये बीज मंत्र है, इसमें पांच अक्षर है, क मतलब कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब उनका जो मिलन है, और जो चंद्र मिलन में उनको जो आनंद आता है, इसलिए उन्होंने ये क्लिंग शब्द अस्फुट शब्द बजाए। लेकिन जब बजाए लेकिन ये शब्द को सभी नहीं सुने, लेकिन राधा रानी जब सुन रही थी उनको ये लग रहा था बंसुरी से केवल राधा 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 शब्द आ रहा है, जब ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल उनको सुनाई पड़ रहा था ये बंसुरी केवल ललिता 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 बोल रहा है, विशाखा सुन रही थी बंसुरी से केवल विशाखा 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 शब्द, वो आप सबको सब अपना अपना नाम सुन रहे थे, आश्चर्य ये बंसुरी ध्वनि का अद्भुत ये पराक्रम था है। तब जब कृष्ण ने बंसी ध्वनि बजाए, बंसी ध्वनि सुनते ही उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि चोर होता है, चोर का जो सरदार होता है ना वो स्वयं नहीं जाता है, वो एक जगह पर बैठता है, वो क्या करता है अपना चेले को भेजता है, अरे जाओ माल लूट लाट कर लाओ है, और वो क्या करते हैं, अरे माल लूट लाट कर किसको देते हैं, सरदार को देते हैं है। इसलिए ये जो बंसी ध्वनि नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चोर, कृष्ण सरदार, चोर का सरदार कृष्ण, और बंसी ध्वनि को भेज दिया जाओ धन को लूट लाट कर लाओ, और बंसी ध्वनि गए लूट रहे, लूटने के लिए, कहाँ वो धन मिलेगा, वो धन कहाँ मिलेगा, बोले सबसे बड़ा धन क्या है, बोले प्रेम धन है, इससे बड़ा धन जगत में कुछ है नहीं, सबसे बड़ा धन प्रेम धन है। उन्होंने ढूंढ रहे थे, बोले ये प्रेम धन यद्यपि सभी का हृदय में है लेकिन इस पूर्ण रूप में किसके हृदय में, ब्रज गोपियों के हृदय में सर्वश्रेष्ठ प्रेम कृष्ण का प्रति इनके हृदय में, इसलिए ये बंसी ध्वनि
उन्होंने भूर भुवा मोह जन तप सत्य सब लोक में ये बंसी ध्वनि गया, कहां पर वो धन है? लेकिन देखा यहाँ पर असली धन नहीं है, ये सब नकली धन है, हैं? इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने ब्रह्मलोक को पार किया, विरजा को पार किया, देखा वहां पर भी असली धन नहीं, फिर बैकुंठ में गया, देखा असली धन वहां भी नहीं है, फिर अयोध्या गया, फिर गया द्वारका गया, मथुरा गया, लेकिन जब वृंदावन गया ना, और जब गोपियों को पास में जो पहुंचा, बोले भैया असली धन तो यही है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन, दास करी देह मरे कृष्ण प्रेम धन। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम के बगैर जीवन दरिद्र है, वृथा जीवन है, इसलिए मेरे को दास बना करके क्या करो, कृष्ण प्रेम धन दो। अभी चोर ढूंढते ढूंढते गए और जब गोपियों को पास में पहुंचे तो इस असली धन तो ये रखा हुआ। अगर आप जाओ किसी घर में चोरी करने के लिए, लेकिन देखो दरवाजा खुला हुआ, दरवाजा खुला है, फिर तो चोर को मौका मिल जाता, भैया चोरी तो करने के लिए आए, बुरा दरवाजा खुला ही है, और देखा दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला, बोले कौन सा दरवाजा खुला, बोले कान का दरवाजा। और वो बंसी ध्वनि कान को दे करके हृदय में गया और देखा उनका हृदय में ना बड़े सुंदर सुंदर माल है, हाँ हीरे जवाहरात, हाँ मुक्ता और असरफिया, बड़े सुंदर सुंदर माल है। इतने में चोर ने क्या किया, सारे धन को लूटा, लूट कर पोटली बांधे और भागे, वहां से भागे। जब भागे, जैसे तुम्हारे घर में कोई चोर आ गया, चोर आकर के सारा जीवन तुमने जो कमाई किया हीरो धन दौलत जो घर में रखा, अगर चोर आकर के सारे संपत्ति का लूट करके और लेकर जाएगा तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे, उसको पीछे दौड़ोगे, भागोगे, भैया सारा जीवन का हमने जो संपत्ति रखा था सारे संपत्ति हमारी लूट गई, उसको पीछे आप भागोगे उसको, हैं? इसलिए यहां पर कह रहे हैं जब गोपियां उसको पीछे भागे, लेकिन उसी समय अगर भागोगे ना आप उसको पीछे भागोगे, फिर भागोगे तो क्या होगा, कौन क्या बोल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चीज को आप देखोगे नहीं, क्योंकि जीवन का सारे संपत्ति ले रहा है। इसलिए कह रहे हैं जब गोपियां भाग रही थी ना, सब गोपियां एक दूसरे को देख नहीं रही थी, बोले क्यों नहीं देख रही थी, बोले उनका हृदय की सारी संपत्ति चोरी करके वो बंसी ध्वनि सबके सब चोरी करके ले जा रहे, इसलिए कोई किसको देख नहीं रही थी। इसलिए यहाँ पर बोले निसम गीतम तदनांग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजमन रन्न अलखितोद्यमा सजत्र कांता जबलोल कुंडला। बोले निसम गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान की वंश ध्वनि सुन करके बोले तदनंग वर्धनम, अनंग मतलब होता है काम, जब गोपियों ने वो वंशी ध्वनि को सुनी उनके हृदय में कृष्ण का प्रति जो दिव्य काम है, दिव्य जो प्रेम है, वो दिव्य प्रेम प्रकट हुआ। बोले ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, बंसी ध्वनि ने क्या किया, उन्होंने उनका जो मन है उनका पूरा मन को लेकर के ये बंसी ध्वनि भाजी। बोले आजक मन नंद अलखी तो उद्यमा, इसलिए एक दूसरे को कोई देख नहीं रही थी, बोले क्यों, बोले हृदय का सारी संपत्ति लुटते हुए जा रहा है, लुटते हुए कहते ये कारण है। और दूसरा कारण बताया, बोले एक दूसरे को क्यों नहीं देख रही, बोले भक्ति ऐसे की चीज है, ये अपना वस्तु है, हाँ? ऐसे नहीं पति भक्ति नहीं कर रहा है, मैं कैसे भक्ति करूं, मैया भक्ति नहीं कर रही है, बेटी कैसे भक्ति करेगी, बोले नहीं, जो भक्ति ऐसे की चीज है, भक्ति जिनको तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का, जब कोई सुकृति उदय हो, भक्ति उन्मुख की सुकृति हो, तभी कोई भजन करता है, नहीं तो भजन कोई नहीं करता है। इसे शिक्षा देते हैं भक्ति रास्ता में ना अकेले ही जाना पड़ता है, ऐसे नहीं मैया नहीं कर रही है बेटी वगैरह कैसे करे, नहीं पत्नी नहीं कर रही है पति कैसे करेगा, नहीं भक्ति किसी को अपेक्षा नहीं करता है, भक्ति अपने आप को अपेक्षा करता है, हैं? इसलिए भक्ति रास्ता में अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए गोपियां जब बंसुरी बजाए और कोई किसको नहीं देख रहे, अरे ये करेगा तो भक्ति पर हम करेंगे, नहीं भक्ति हम नहीं करेंगे, नहीं भक्ति अपना धन है। इसलिए
कोई किसी एक को दूसरों को देख नहीं रही थी। बोले सजत्र कांता जब लोल कुंडला जब चल रही थी, कान में सुंदर कुंडल पहनी रखी थी, वो कुंडल तो हिल रहा था। है कुंडल क्यों हिल रहा था? बोले तुम लोग पहुंचने से पहले पहले हमें छोड़ दो, कृष्ण के पास में हम जा करके सबसे पहले हम जा करके पहुंच जाए। इसलिए यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण दिया, जब कृष्ण बंसरी बजाई उनका हृदय में जो प्रेम है ना बीज रूप में था, हृदय में कृष्ण भक्ति बीज रूप में था। जैसे बीज रूप में हो उसमें जो पानी दो फिर क्या होगा? फिर अंकुर होगा, फिर उसमें दो पत्ते निकलेगा, फिर उसमें टहनियां निकलेगी, फिर उसमें धीरे 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 उसमें सुंदर सुंदर मंजरी आएगी, उसमें फिर धीरे धीरे सुंदर सुंदर फूल खिलेगी, फिर उसमें बड़े सुंदर फल खिलेगा। बस जो फल में छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, बस बैठ करके रस को आस्वादन करो। कहते उनका हृदय में तो बीज रूप में भक्ति थी, लेकिन बंसी ध्वनि सुनते ही ना जैसे उसमें पानी पड़ा, पानी गिरते ही धीरे 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 अंकुर व पल्लवित होकर के पास उसने कृष्ण प्रेम रूपी फल रूप में परिणत हो गया। होते ही बास फिर ब्रज गोपियां कृष्ण के प्रति सब के सब दौड़ने लग गई। बोले दुहंत, यहां पर अभी तीन श्लोकों के द्वारा ये बता रहे हैं गोपियों ने किस क्या क्या काम कर रही थी और उन्होंने किस किस काम को छोड़कर गए। इसलिए गोपी जो प्रेम को है ना ये सर्वश्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? कृष्ण कहते ना न पारे हम निर्बद्ध संजुजम स्वसाधु कृत विबुधाय सापी वो। बोले हे गोपियां अगर ब्रह्मा जी से परमाय ले लो ना तभी भी तुम लोगों का ऋणी कभी मैं चुका नहीं सकता। बोले क्यों? कारण है तुम लोग मेरे लिए सारे जगत का बंधन को त्याग दे। इसलिए सुनिश्चित सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अगर ये श्लोक किसको पर लागू होता है? कहते केवल ब्रज गोपियों को ऊपर में पूर्ण रूप में लागू होता है। इन लोगों ने सचमुच से सारे धर्म को अगर कोई त्याग दिया तो किसने त्याग दिया? कहते ये ब्रज गोपियों ने ये सब कुछ त्याग दिया। बोले क्या क्या त्याग दिया उन लोगों ने? और संसार में अलग अलग धर्म है, तरह तरह का धर्म है, उनने क्या क्या त्याग दिया है? बोले दुहंत अभय काम हित्वा समुत्सका पयोधिश्रितम सयाम मनु दबस्या पराम जजुहु। कोई व्यक्ति गो दोहन कर रहा था, कोई गोपी गो दोहन कर रही थी, उस समय बंसरी सुनते ही गोधन वहीं पर रख दिए। कोई गोपी दूसरों को द्वारा गोधन करवा रही थी, लेकिन बंसी ध्वनि सुनते ही उसी समय में समुत्सका, बोले समुत्सका मतलब बंसी ध्वनि सुनते ही कृष्ण का प्रति उनको इतने उत्सुक, इतने आनंद, इतने उनको उत्फुल्ल हुआ। वो आनंद में है एक चीज को कब छोड़ेगा? जब वो चीज से कोई और कोई आनंद चीज मिलेगा फिर क्या होगा? वो छोटे चीज को छोड़ करके दूसरे चीज में जा गया। लेकिन बंसी ध्वनि को सुनते ही वो कौन सा आनंद था? बोले रासोत्सव। रास को बताया किया वो उत्सव, वो आनंद है। वो आनंद में इतना आनंद है जो संसार का आनंद उसको सामने फीकी पड़ जाती है, वो आनंद कुछ नहीं। इसलिए उन लोग ने बोले समुत्सका उत्सुकता में आकर के इस सब के सब एक एक चीज को छोड़कर चलने लग गई। बोले परि व्यसयंतस्तद्धित्वा पाययंत शिशुस्पयम् शुश्रूषयंत पत्निकासीत् अस्नंत अपायस भोजनम्। कहते कोई गोपी परिवेषण कर रहे थे, बोले खाना खिला रही थी। हैं जैसे आप पति को खाना खिला रही थी, अब थोड़ी छोड़कर चले जाओगे बीच में, भले खाए नहीं खाए छोड़कर जाओगे। लेकिन उन लोगों ने ये पति को कोई खाना खिला रही थी, वो उसी अवस्था में बंसी ध्वनि सुनते ही पति, और हमारे धर्म में पति को परमात्मा मानते हैं, पति को परमात्मा मानते हैं, लेकिन पति को खाना खिलाते खिलाते आधा अवस्था में उन्होंने वहीं पर त्याग दिया। परिवेशयंती तद हित्वा बोले पाय अंत शिशुन पय। कोई शिशु को है दूध पिला रही थी। देखो यहाँ पर जो शब्द आया वो दूध पिला रही थी, स्तन नहीं पिला रही थी। दूध और स्तन पिलाने में फर्क है।
बोले स्तन किसको पिलाते हैं, जिस जो अपना बच्चे को, बोले दूध, इसका मतलब है ये गोपी का जो दूध पिला रही थी वो अपना बच्चा थी नहीं, वो दूसरे के बच्चा को वो पान करा रही थी, पय पान करा रही थी, दूध पिला रही थी। बोले उसी समय में अगर बच्चे को आप दूध पिला रहे हो, बीच में थोड़ी थोड़ी छोड़कर चले जाओगे, असंभव है। लेकिन उनने उसी अवस्था में भी उसको त्याग दे दिया। बोले सुसु शयन तब पति, कोई पति की सेवा कर रही थी, चरणा दबा रही थी, लेकिन बंसी ध्वनि सुनते पति की चरणा सेवा वहीं पर परित्याग किया है। काज का चीज अस्नन तो अपाया सो भोजनम, कोई भोजन कर रही थी, खाने को बीच से थोड़ी हम चले जाते हैं, पूरा खा कर तो चलते हैं ना, इसलिए भोजन करते करते उसी अवस्था में ही बंसी ध्वनि सुन करके उसी अवस्था में ही वो सब के सब चल पड़े। बोले लिपंत प्रमिजयंत अंत्या अंजना काश्चिद लोचने, कोई क्या कर रहे थे, अपना शरीर को श्रृंगार कर रहे थे, हाँ जिस शरीर को सुंदर रूप में जो श्रृंगार करती हैं, कहते कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई आंखों में अंजन लगा रही थी। लेकिन बंसी ध्वनि सुनते ही ना, कहते एक होता है विभ्रम, जिसको उज्जवल निर्मणि में कहते, जिसको विभ्रम कहते, विभ्रम किसको कहते हैं, विभ्रम कहते हैं इतने प्रेम में पागल हो जाए, जो गले का जो हार है ना कमर में पहन ले, और कमरे का जो करधनी गले में पहन ले, हाथ में जो कंकण है प्यार में पहन ले, और प्यार का जो बिछुआ होता है उसको हाथ में पहन ले। कहते उन्होंने बंसी ध्वनि सुनते ही इतने बाबरी हो गई, जिस श्रृंगार को जहां पहननी चाहिए वहां पहनना भूल गई है, वो दूसरे दूसरे जगह पर, एक आंख में कजल लगाई तो दूसरे आंख में कजल लगाना भूल गई, कपड़ा पहन रही थी, कपड़ा पहनते पहनते आधा कपड़ा पहने हुई, बस आधे कपड़ा उसमें आधा हाँ कपड़ा लटकते हुए पास गोपियां जा रही हैं, उस सब के सब जिस जिस अवस्था में थी उसी इसी अवस्था में ही वो सब के सब वहीं से अपने उसी उसी अवस्था में चलने लग गई। तब जब कृष्ण के पास में पहुंचे ना, फिर भगवान कृष्ण सबको सुंदर रूप में अपने हाथों से कृष्ण उनको श्रृंगार अच्छे तरह से किया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हमें अच्छे तरह से, हमें अगर कोई सजा सकते हैं ना, कौन सजा सकता है, केवल कृष्ण ही हमें सजा सकते हैं, दुनिया में हमें और कोई भी कृष्ण हमें सजा नहीं सकते। इसलिए बोले ता बार्ज्यमाना पति भी प्रीति भी भातृ बंधु भी गोविंदा अप्रहितात्मन न निवर्तन्ते मोहिता। बोले ता बर्ज्यमाना पति भी, जो गोपियां सब चल रही थी ना, चलते समय किसका पति है, किसका पिता है, किसका माँ है, उन लोगों ने उनको कोशिश की रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन रोकने के लिए कोशिश करने पर भी उनको कोई रोक नहीं सके, है? उनको कोई रोक नहीं सके। कुछ गोपियां तो चली गई लेकिन कुछ गोपियां जा नहीं पाई, है? बल यहां पर कह रहे हैं भले भैया कुछ गोपी चली गई क्यों और कुछ गोपियां रह गई क्यों, कारण क्या, भले कौन कौन गोपियां चली गई और कौन कौन गोपियां रह गई, कारण क्या। भले वो गोपियां चली गई, भले कौन कौन गोपियां चली गई, भले जिनकी वास्तव रूप में जिनकी स्वरूप सिद्धि हो चुकी थी और जो जो पूर्ण रूप में कृष्ण के प्रति समर्पित थी, लेकिन रोक लिया किस किसी गोपियों को, भले जिनका शरीर पति को शरीर को साथ में जिसका संबंध था, है जिनका संबंध था, बते वो हो गया था उचिष्ट दूसरे को द्वारा, इसलिए वो जो रासलीला था वो उत्सव था, कहते रासलीला भी उत्सव में वो अयोग्य है, इसलिए अयोग्य होने का नाते कहते उनको पतियों ने रोक लिए, उनको घर से बाहर जाने नहीं दी। लेकिन घर से बाहर कौन चली गई, जो संपूर्ण रूप में जिनका शरीर पति को साथ में कोई संबंध नहीं था, जो संपूर्ण रूप में कृष्ण में समर्पित थी, वो सबके सब चले गए, सबके सब। तब यहाँ पर बता रहे हैं जैसे तुम्हारी घर है कोई पति है कोई पिता माता, अगर रात 12 बजे घर से कोई निकल जाएगा घर से, हाँ कोई घर से नहीं निकल सकता है,
पर अभी प्रश्न है, फिर वो निकल गई कैसे? उनको पति ने, पिता माता ने उनको जाने कैसे दिया? रात बीच में 12 बजे जहां चारों तरफ में अंधकार अंधकार, उनको जाने कैसे दिया? बोले कारण है कि ये कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है। क्योंकि कृष्ण सभी का हृदय में भगवान निवास करते हैं। अगर कोई दिल से, अगर पति पिता अगर घर से कोई जाने नहीं देते, उनको इच्छा के ऊपर कोई जा नहीं सकते, लेकिन ये कृष्ण की इच्छा होने का नाते ये सबके सब घर से, ये सबके सब घर से निकल गई है, ये घर से निकल गई। तब जो निकल नहीं पाई, फिर उन लोगों ने क्या की, जब निकल नहीं पाए उन लोगों ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया। हे गोविंद, हे प्रियतम, हे कमलाकांत, हे कृष्ण, आज हम कितने दुर्भाग्य है जो कि ये रास रूपी उत्सव में आज हम योगदान नहीं दे पाए, हैं? हम योगदान नहीं दे पाए। उन्होंने हृदय से ऐसे भगवान को स्मरण किया, ऐसे स्मरण किया, कृष्ण विरह में, हैं? कृष्ण विरह में वहीं पर वो शरीर छूट गया और वो आत्म शरीर से कृष्ण के पास पहुंच गए, आत्म शरीर से कृष्ण के पास में पहुंच गए। तो यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण दिया है। बोले क्या उदाहरण दिया? उदाहरण दिया जैसे हमने आम लाया था, आम लाए थे, जैसे क्या करता है जो सेवक होता है, जैसे घर का मालिक हो, राजा हो, जैसे आम को पेड़ से तोड़ लेता है, एकदम पेड़ पे पकने से पहले तोड़ लेता है, तोड़ कर क्या करता है, रख लेता है। रखने पर देखना हर आम एक साथ में नहीं पकता है, पहले कोई आम पक जाएगा, जो पक जाएगा उसको क्या करेगा, अमणिया करके ठाकुर जी को भोग लगा कर मालिक को खिला दिया। और वो आम को गर्म में रखने पर जल्दी पकता है, गर्म में रखने ज्यादा, फिर कुछ, फिर 1-2 दिन बाद में फिर एक पक गया, गर्म से पक गया, तो उसको फिर अमणिया किया, ठाकुर को भोग लगाया, माली को खिला दिया, है? कहते उसी तरह उनको जब अपना पतियों ने उनको घर में रोक लिया, रोकने पर उनको कृष्ण के प्रति जो दिव्य विरह हुआ, आज हम रासोत्सव में जा नहीं पाए, हम कितने दुर्भाग्य है, हम जा नहीं पाए। जब उनके हृदय में कृष्ण के प्रति विरह उत्पन्न हुआ, ये विरह क्या है, ये गर्म है, यही गर्म है, जैसे गर्म में आम पक जाती है और उसको काट करके भोग लगाते हैं, इसलिए उनको हृदय में कृष्ण का प्रति जो विरह रूपी उत्कंठा है उसको दर क्या हुआ, कहते उनके अंदर में जो कमियां थी, उनके हृदय में कमियां थी, वो कमियां दूर हो गई और कृष्ण सेवा की उपयुक्त तो हो गई। वो कृष्ण सेवा में उपयुक्त तो होने पर क्या हुआ, शरीर को कहीं छोड़ दिए और छोड़ करके आत्म शरीर से कहाँ चले गए, पहुंच गए वहां पर। फिर एक यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया वहां पर उत्सव रासोत्सव है, आनंद है, आनंद में अगर कोई घर में मर जाता है फिर क्या होता है, बताओ? घर में कोई मर गया फिर क्या होगा, फिर बड़ा अशुभ हो जाता, फिर रासोत्सव में ये शरीर छोड़ दिए, फिर ये शरीर क्या हुआ है? तो यहाँ पर 2-3 बात यहाँ पर बताते हैं। कोई कोई कहते हैं उसी शरीर में जब उनको शरीर प्रति, हृदय प्रति कृष्ण का प्रति विरह उत्पन्न हुआ उनके हृदय में, हाँ, कहते विरह उत्पन्न और आत्मा शरीर से चले गए, लेकिन ये जो शरीर है वो शरीर वही अंतर ध्यान हो गया, हाँ? ये शरीर वहां पर मृत नहीं दिखा, मरा हुआ नहीं दिखा, वो शरीर वहीं पर जोग माया ने वहीं पर उस शरीर को वहीं पर खत्म कर दिया, वो मरे नहीं, ये शरीर छूटा नहीं, हाँ? ये एक कारण बताए। दूसरा कारण बताए और एक रहस्य बताए, हमारे भारतीय संस्कृति आपको पता है, कोई भी पति ये नहीं चाहेगा मेरी पत्नी और किसी पुरुष को पास में जाए, ये कभी पति सहज नहीं कर सकते। इसलिए रामलीला में जानते हो वो धोबी आ रही थी, धोबी एक रात कहीं, एक कहीं रुक गई, मजबूर से कहीं रुक गई, बारिश हो रही थी, नदी पार करना पड़ेगा, केवट उसको पार नहीं करवाया, रात हो गया था, एक रात कहीं रुक गई, तो दूसरे दिन आया तो उसको पति घर में रखा ही नहीं, बोले जहां रुकी ना वहीं पर चले जा, रात जीवन वहीं पर बिताओ, है? इसलिए कोई भी पति ये नहीं चाहेगा मेरी पत्नी अर्धरात्रि में कहीं और किसी पुरुष के पास में चली जाए, और कहीं चली जाए, कभी ये सहन नहीं कर सकते। फिर प्रश्न है, फिर ये गोपों ने गोपियों को जाने कैसे दिया, ये गई कैसे?
तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवीर ठाकुर कहते हैं, कहते जोग माया ने क्या की, उनकी जो पत्नी थी ना उनका जैसे और एक रूप बना दिया है, उनको और एक रूप बना दिया, बना करके पति को जो पति मानने वाले जो है ये हमारी पत्नी है, इसलिए उन्होंने एक पत्नी उन्होंने बना दिया तो, और जो असली जो गोपी थी ना वो असली गोपी वहां से चली गई कृष्ण के पास में, और जो नकली जो गोपी है ना वो नकली गोपी वही पर रह गई। और गोप लोग सोच रहे थे हमारा पत्नी तो हमारे पास ही, हमारी पत्नी कहीं गई नहीं। इसलिए ये जोग माया की ये अद्भुत एक लीला है, जिन्होंने ये सब काम को उन्होंने कृष्ण लीला में उन्होंने ये सब काम उन्होंने करवाए। इसलिए कहते हैं भातृबंध भी गोविंदा अपरहित आत्मनन्य निवर्तन्ते मोहिता, कहते उनको पतियों ने जो रोकने के लिए तो कोशिश की किसको, लेकिन कोई कोई चले गए। बोले क्यों? बोले कारण है जब कृष्ण बंसुरी बजाए, जब बंसी ध्वनि सुने ना, उन्होंने एक उदाहरण दिया, आप लोगों देखे होंगे कठपुतली नाच, देखे हो कठपुतली, लकड़ी का पुतला होता है और अंगुल में तार लगा हुआ रहता है, देखा हो गांव में, वो अंगुल में जैसे हिलाते हैं ना, देखना वो पुतला ऐसे नाचता था, सूरीनाम में है कि इधर भी है, इधर भी है ना, और बड़े सुंदर दिखाते हैं, देखे हो ना, हाँ वो हाथ में तार लगा हुआ होता है, वो जैसे जैसे करते हैं ना वैसे ऐसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं, हाँ। कहते यहाँ पर कृष्ण गृहीत मानस, इसलिए कृष्ण जो बंसुरी बजाए उनका मन प्राण चित्त ने किया कृष्ण संपूर्ण अपहरण कर लिया। जब अपहरण कर लिया जैसे कठपुतली होता है, हाँ? जैसे कठपुतली जैसे नचाते हैं ऐसे नचाते हैं, उसी तरह कृष्ण जब संपूर्ण उनकी मन प्राण चित्त को मोहित कर लिया, कृष्ण जैसे करवाते थे बस उन लोगों ने कृष्ण को द्वारा मोहित होने का नाते, फिर जगत में कोई किसका रोकना ठोकना इनको कोई रोक नहीं सकते। कृष्ण जिनको आकर्षण करता है ना दुनिया में, और किसी की इतना हिम्मत नहीं जो कृष्ण जिसको खींचते हैं उनको कोई रोक सके। इसलिए बोले काले रंग के ऊपर में ना कोई रंग नहीं चढ़ता है, अब तरह तरह का रंग मिलाओ अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन कुछ काला रंग मिला दो देखना काला रंग सारे रंग को अपना लेता है। इसका मतलब है अगर कृष्ण रंग किसके ऊपर चढ़ गया ना, बोले चढ़ना दूजा रंग, उसके ऊपर और कोई रंग चढ़ता नहीं, इसलिए कृष्ण उनको खींच रहे हैं। और कृष्ण तो सभी का हृदय में बैठे हुए, उनका पति पिता माता बेटा सबका हृदय में भगवान बैठे हुए, अगर भगवान अगर किसी को खींच रहे हैं फिर तो उनको कौन रोक सकता है। इसलिए ये सब के सब सारी बाधा विपत्तियों को छोड़ करके ये सब के सब बस कृष्ण के पास में चले गए। फिर क्या होता है फिर हम इसको कल सुनेंगे, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, बंद कर दो इसको।